अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम यूनिटी तेलंगाना ऑटो वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज मीडिया में आने की ये वजह है कि आज जो है ना कुटी मलकापुर फुल मार्केट मेहंदीपट्टनम के 500 ऑटो ड्राइवर्स हमारे यूनियन एसोसिएशन में ज्वाइन हुए हैं। जो हमारा मेहंदीपट्टनम स्टैंड है और लंदर रोड स्टैंड है, सादा जेबाबाग स्टैंड है और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आउटगेट पे है, ऐसे हमारे 25 ऑटो स्टैंड है, चार मीनार के पास है, आईबिट्स पे है। तो हमारा काम देख के हमारे पास गुड्डी मलकापुर फुलबाग फुल मार्केट के 500 ड्राइवर्स हमारे यूनियन में आज ज्वाइन हुए हैं और मैं उनसे ये वादा किया हूँ अगर उनको जो भी प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक के बारे में हों दो या आरटीए के बारे में हों दो या पार्किंग के बारे में हों दो, जो भी प्रॉब्लम्स है हम यूनियन की तरफ से बात करेंगे, बोल के उनको हम हिम्मत दिलाए और सभी ड्राइवर्स को मेंबरशिप कार्ड देने वाले हैं। जो हमारे यूनियन में मेंबरशिप बन के रहेगा हम उसको जो भी प्रॉब्लम्स है आरटीए का हों दो या ट्रैफिक का हों दो हम उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो भाइयों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है ना जो आरटीए की फीस है उसके ऊपर बना के देते हैं, बोल के हम वादा किए हैं। और वो लोग भी जो है ना 5-5, 10-10 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हमारे यूनियन में ज्वाइन होने का यही मकसद है कि हम जो है ना ड्राइवर के लिए ड्राइवर की जो भी तकलीफ है उसको हम दूर करते हैं और ड्राइवर को जो भी प्रॉब्लम आता तो हम जो है ना वहाँ के ऑफिसर से जाके बात करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से जो है ना हर स्टैंड पे बात चलती कि यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन में ज्वाइन होने से जो है ना हमारे जो भी मसले है सॉल्व होते, बोल के बात करते। अगर और भी कोई ड्राइवर्स यूनियन ज्वाइन होना है तो मेहंदीपट्टनम ऑटो स्टैंड पे नजीर भाई बोल के रहते हैं, उनसे व्यवस्था मिल सकते और उनको अपने डिटेल्स दे सकते। तो नजीर भाई जो है ना मेरे पास लेके आके हमको ज्वाइन कराते और हम उनका जो भी स्टैंड है जाके देख के जायजा लेके जो है ना उनके जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते बोल के हम बोल के उनको ज्वाइन करा लेते। तो लिहाजा हम सभी ड्राइवर से इतला दिए जाते हैं ड्राइवरों को कि हमारे यूनियन में ज्वाइन हुई है, जो भी जो है ना गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स आने वाले हैं ड्राइवर को 12,000 रुपये मिलने वाले हैं और वेलफेयर बोर्ड बनने वाला है। तो सभी ड्राइवर्स को हमारे यूनियन में ज्वाइन होने से एक ताकत बनती ड्राइवरों की, तो यूनियन कुछ काम कर सकती। हमारे यूनियन में आप जो भी यूनियन में ज्वाइन हुआ है लेकिन यूनियन में ज्वाइन हुआ है ड्राइवर को तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लिहाजा ड्राइवरों को हम ये इत्तला देते हैं कि कोई सी भी यूनियन में ज्वाइन होना, बरहाल यूनियन की बात सुनना आप लोग तो पूरे काम आपके होते। यूनियन में ज्वाइन होने के लिए मेंबरशिप होना जरूरी रहता। मेंबरशिप रहने से जो है ना ड्राइवर को ये मालूम होता है कि मैं ये यूनियन का हूँ और यूनियन को भी मालूम होता है कि ये मेरा यूनियन मेंबर है, मैं इसको जो भी हेल्प होना है हेल्प कर सकता हूँ बोल के वो बोल सकता।